रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। जाफर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज बेटा हम लोग जो काम करेंगे, अमली किताब का काम शुरू करेंगे। आज आज हम अमली किताब के दो सफ़े करेंगे। आप लोग के पास आपकी अमली किताब होनी चाहिए। अमली किताब कौन सी है, मैं सबको दिखा रही हूँ, जरा देखिएगा। दिस वन, यस, ये वाली है अमली किताब। और जिसके पास नहीं है, डोंट वरी, मैं शेयर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी 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 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर काम कर लीजिएगा। जब आपके पास कॉपी आए तो आप काम कर लीजिएगा। सही है, ठीक है। चलिए हम पहले, बेटा बाद में सवालात लेंगे आप लोगों के, अभी पहले काम स्टार्ट कर दें हम लोग, प्लीज बेटा। आप लोग से ये कहा है कि जी जी ये अमली किताब है। आज करेंगे सफा नंबर दो। जाफर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप लोग क्लास सुन लिया करें क्लास में, फिर एंड में सवालात लेंगे आप लोगों से। बताइए जल्दी। नो नो टीचर, आप हैंड रेस कर रहे थे। टीचर आई एम सेइंग दिस आई कैन किताब। जी बेटा, सभी का आप क्या कह रही हैं? मेरे पास अमली किताब तो है लेकिन वो पुरानी है, तभी सारे सफे रहे हैं उसके। कोई मसला नहीं है, आप उसको देख लीजिए कैसे हुआ हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। बेटा ये जारा आप कर रही हैं, आपका नाम आ गया है, जो भी स्क्रीन पर टच करेगा उसका नाम आ जाएगा, सब देख लेंगे जिसका नाम आएगा। यस यस बेटा, आप स्क्रीन में जो भी करेगा उसका नाम। आपने लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो आ रहा है, वो कुछ नजर आ रहा, बहुत लाइट लिखा हुआ है। हाँ वो नहीं, मिस खुद करवा रही है, आपको खुद लिखना होगा, फिर मिस को बताना होगा आपने क्या लिखा है। आपको मैं समझा रही है, सब एक दफा गौर से सुन लीजिए। सॉरी, सबकी तवज्जो इधर होना चाहिए। सफा नंबर एक हम कर चुके थे, हम लोग ने पिछली क्लास में किया था सफा नंबर एक, मिस ने करवाया था। आज कर रहे हैं अमली किताब सफा नंबर दो। सवाल देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुदरती अशिया मंजर पहचान कर इनमें रंग भरिए और इनके बारे में कम अज कम दो जुमले लिखिए। जो कुदरती चीज है जो के अल्लाह ताला ने बनाई है, वो तस्वीरें पहचाननी है आपको, उन तस्वीरों को पहचानना है और उनके बारे में कम से कम दो जुमले लिखने हैं। इसमें देखें आपको एक दो तीन चार पाँच छह तस्वीर हैं। पहले उसमें बाग बना हुआ है, ये कुदरती चीज है, आप इसके बारे में दो जुमले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे देखिए लिखे ये बाग है ना, ये कुदरती चीज है, तो उसके बारे में लिखें ये एक खूबसूरत बाग है, इसमें तितलियां नजर आ रही हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये खूबसूरत बाग है, इसमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। जो कुदरती चीज नजर आ रही है आपको, आप उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, उसमें बना हुआ है कंप्यूटर, ये कुदरती चीज नहीं है, ये मंजर कुदरती नहीं है, ये एक मशीन का दिखाया है, ठीक है। अच्छा, नंबर तीन को देखिए, ये है मंजर, है रात का मंजर दिखाया हुआ है, इसमें चांद और कबीर। आप क्यों कर रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन में करेगा उसका नाम आ जाएगा और वो क्लास से आउट हो जाएगा। अपनी क्लास को ऐसे मैस करेंगे आप। ओके, नंबर तीन तस्वीर देखिए बच्चों, ये रात का मंजर दिखाया हुआ है, इसमें चांद और तारे हैं, ये भी कुदरती मंजर है। आप इस तस्वीर के आगे जो दो लाइनें बनी हुई है उसके बारे में लिखेंगे, रात
ये मंजर रात का है, इसमें चांद और सितारे नजर आ रहे हैं। आप दो जुमले इस तरह लिख सकते हैं इसके बारे में। आपको खुद लिखना होगा, जो नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं सुनेंगे आप लोग से क्या लिखा। उसके बाद चौथी तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर है किसी बच्चे की, फ्रेम है, ये कुदरती मंजर नहीं है, मस्नूई है ये। इसके उस तस्वीर के नीचे देखें एक गाड़ी दिखाई गई है, ठीक है, ये भी एक मशीन है, गाड़ी है ये दिखाई गई है, ये भी कुदरती अशिया नहीं है। उसके बाद नीचे वाले सबसे आखिरी तस्वीर, एक मंजर दिखाया गया है बारिश और बिजली कड़क रही है, तो ये भी एक कुदरती मंजर है। तो इस मंजर के आगे दो लाइन लिखी हुई है, उस पर आप लोग जुमले लिखेंगे इसके बारे में, दो जुमले, बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है। सही, ठीक है, तीन तस्वीरों के आगे आपको दो दो जुमले लिखने हैं। सबसे पहली वाली तस्वीर बाघ वाली, ये कुदरती मंजर है। उसके बाद तीसरी तस्वीर चांद और सितारे, ये रात का मंजर है। और सबसे आखिरी वाली तस्वीर ये है बारिश का मंजर। इन तस्वीरों के आगे दो दो जुमले लिखने हैं। शाबाश, काम स्टार्ट कीजिए। किस किस को समझ में आ, सबको समझ में आ गया, थम्स अप करके बताइए बच्चों। कंप्यूटर, बच्चे की तस्वीर, गाड़ी के सामने नहीं लिखना है, सिर्फ तीन तस्वीरों के सामने लिखना है। वेरी गुड, किस आपको समझ में नहीं आया? अली, जारा, यस जारा बेटा, अली आपको समझ में आया? यस जारा, अनम्यूट योर माइक। कबीर, अमली किताब निकाली जी बेटा। मिस मेरी बुक में पहले से काम हुआ है। हाँ, कोई कोई बात नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। सफा नंबर 3 भी हुआ है, सफा नंबर 3 भी हुआ है। अच्छा, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको देख लीजिए किस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अली, ओवर टू यू। अली, आपका पूरा नाम क्या है? टीचर, जी बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? टीचर, वी वांट टू अली अब्बास। अली अब्बास जी, क्या पूछ रहे हैं? टीचर, वी वांट टू राइट इन इन वर्ब बुक ऑफ उर्दू। ओके, वी हैव टू राइट दी सेंटेंसेस इन वर्ब बुक, ठीक है। आप okay. जी जी अमली किताब में लिखेंगे, यू हैव टू राइट। ओके नो इनाया, डोंट डू इट ऑन स्क्रीन, आप लोग का नाम पॉप अप हो गया। कबीर, अमली किताब निकालें, काम कीजिए, आप कर रहे हैं, इन अनाबिया कर रही है, यस वेरी गुड, यस इनाया, इनाया अमली किताब खोलिए, सफा नंबर 2 निकालें। मैं अपने घर पे नहीं हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अमली किताब का सफा नंबर 2 और 3 करना होगा, ठीक है बेटा, घर पे कर लीजिएगा, बहुत इजी है। मेरे पास अमली किताब नहीं आई है। मिस आप, अच्छा कोई मसला नहीं है, अगर जब भी आएगी कर लीजिएगा, मिस आप लोग को भेज देंगी काम, ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस आप ये वाला काम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगी, मैं फिर वहां से कर लूंगी। ठीक है, मिस कोशिश करेंगी, सही है। अभी देखिए मिस क्या करवा रही है, क्लास ज्वाइन ही रहेगा ताकि आपको, यस कंजा, वेरी गुड कंजा, नूरुल हादी, यस शाबाश कंजा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सफा नंबर 3 जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यस नूरुल हादी, जाफर, बेटा ये आप मिस का लिखा हुआ नहीं लिखिए, खुद से लिखिए, मिस ने समझाया ना आपको, आप खुद से लिखिए, दो सेंटेंस लिखने, दो सेंटेंस लिखने, दो जुमले लिखने हैं बस,
बाघ के बारे में दो जुमले, रात के बारे में दो जुमले और बरसात के बारे में दो जुमले, बस दैट्स ऑल। इतना तो लिख सकते हैं ना, लिखिए। शाबाश। हाँ वो तो मिस ने खुद से सॉल्व किया था, लेकिन आप लिखेंगे अपने तरफ से। यस अदील खान, म्यूट योर माइक नूरुल हादी बेटा। शो मी, जबरदस्त। सफा नंबर 3 पे आ जाइए आदिल कंजा, सफा नंबर 3 पढ़ने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड जाफर, काम करते हैं नजर। मरियम, व्हाट हैपेंड, कर रही है काम आप? दुआ, सबीका, आरस, अब्दुल्ला अलवी, आप लोग को रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हमारे पास। अमली किताब का सफर नंबर 2 और 3 करेंगे आज बच्चों हम लोग, फिर इंशाल्लाह ताला कल आप अपने जर्नल्स में पहला काम स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा अल्फाज मायने का।